यहाँ पे। तो अब गाइस पूरी बर्फ घुस चुकी पैरों में, बारिश पड़ती है ना मार्केट साइड, जिधर सीधा बर्फ पड़ती है। एंट्री फेस आपका वी आर इन जोशी टिब्बा और आप देख पा रहे हो यहाँ स्नो। मॉर्निंग गाइस, इट्स विंटर्स डे 3rd एंड इट्स अराउंड 9 AM एंड कल फिर बर्फ पड़ी उसके बाद, और फिर बारिश हुई और फिर पिघलने लगी बर्फ। तो अभी हम फिर एक दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको रास्ते में और अपडेट करते हैं फिर। तो गाइस हम जा रहे हैं जोशी टिब्बा। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था विदाउट स्नो, इस बार दिखाऊंगा विद स्नो, टोटली डिफरेंट वाइब्स होगी। तो मिलते हैं आपको जंगलाई चौकी में। सो अभी हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अरसलान एंड इज साजिद एंड माय एल्डर ब्रो फारूक भाई। तो आज हम जा रहे हैं जोशी टिब्बा जैसे आपको बताया पहले, और वहाँ की जो स्नो वाली वाइब्स है वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी मिलते हैं जंगलाई चौकी में जाके, थोड़ा सा रह रखा है तो वहीं जाके मिलते हैं आपको। हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पे जैसे आप देख रहे हो, और इस वाली वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको लास्ट टाइम क्या हो गया, बैटरी लोगी फ़ोन की तो मैं बता नहीं पाया। और इस बार जहाँ भी हम दूसरे साइड से रहे हैं जोशी टिब्बा, जो आपको अच्छे से जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा उधर। तो यह है एंट्री जंगलाई चौकी की जैसे आप देख पा रहे हो, और वो सामने जो पीक दिख रहा है उसको कवर करके आगे जाना पड़ेगा जोशी टिब्बा के लिए। तो मैं आपको बताता रहूँगा आगे जाके, मिलता आपसे। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन जंगलाई चौकी की, और ये दुकान है अशोकल की। तो गाइस ये है विंटर्स चक्राता डे 3rd, और लास्ट डे की तरह आज भी जाम लग चुका है तगड़ा वाला, भयंकर वाला। कल भी लास्ट नाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहा और बहुत लेट तक ट्रैफिक रहा यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये साहिल भाई की दुकान, होटल मीन्स मैगी चाय, कुछ भी चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये बैरियर के पास से जो इधर ऊपर जाएंगे यहाँ से हम, तो अपडेट करूँगा मैं आपको स्टेडियम। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जाम तकड़ा वाला लगा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला रूट है जोशी टिब्बा के लिए, और ये बैक साइड है, एक बार देख लो आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। और यहाँ से ऊपर जाना है हमें जोशी टिब्बा के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था यहाँ पे परसों भी और आज भी, और यहाँ से ऊपर निकलना है आपको सीधा, इसको याद रखना, सामने जो दिख रहा है छोटा सा हट टाइप का। तो गाइस इस लोकेशन को याद रखना है, यहाँ पे जो ये वाली है इसको याद रखना है, यहाँ से ऊपर निकलना है साइड है यहाँ से, और देख सकते हो आप पर सूत क्वार्टर है यहाँ से, इधर ना जाके इधर को निकलना आपको, और नीचे आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। सो जैसे साजिद भाई जा रहे हैं वहाँ से, तो ये याद रखना आप लोग। और ये मन्नू दाई का घर है जिनका नीचे रेस्टोरेंट है छोटा सा, और यहीं से आगे जाएंगे हम ऊपर को। ऊपर को जाके हमें टंकी मिलेगी, एक टंकी से क्रॉस करके ऊपर निकलना है, सीधा स्ट्रेट ऊपर निकलना है, वहाँ से नहीं है कुछ भी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको
अच्छे से, और वहाँ पे जाके आप कैंपिंग कर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो आराम से। बस पानी वगैरह नहीं है, बट लोकेशन बहुत अच्छी है, पीसफुल लोकेशन है। और कभी भी आप ऐसे जगह जाओ तो गंदगी वगैरह ना करना। और ये अन्नदाय का घर, और यहाँ से ये पाइपलाइन जो दिख रही है, इसी को आपको लेना है और इसी के बेस पे ऊपर निकलना है टंकी के पास। तो आपको टंकी के पास मिलता हूँ मैं, स्ट्रेट जाके वहाँ से दिखाता हूँ कैसे निकलना है ऊपर। गाइस फॉलो इन। जो वॉल है ये टंकी की वॉल है, सीढ़ी पे ना जाके वी हैव टू गो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयर्स। सो हैव इट गो। लोग मिले हैं मुझे, इनका नाम ऋषभ स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो दो तीन भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ व्लॉग में। तो यहाँ से नीचे निकल गए हम वाटर टैंक से, मिलते हैं आपको आगे आगे जहाँ स्टिप है वहाँ से मैं आपको फिर से एक बार गाइड करूँगा। तो बने रहे वीडियो में अच्छे से, और व्यू का मज़ा ले आगे। एज है टैंक का, यहाँ से आपको ऊपर निकलना है राइट लेके। सो राइट लेके सीधा, काफ़ी ज़्यादा स्नो मेल्ट हो रही है तो रहा है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ वाटर टैंक, और व्यू देखो आप यहाँ से क्या भयंकर दिख रहा है। तो वाला सरफेस आपको कवर करना है इधर से आके, ये लास्ट एज से इधर को निकल के उधर, इधर से भी रास्ता पर लॉन्ग पड़ता है तो सीधा शॉर्ट मिलता आपको वहीं पे। टॉप पे आ चुका हूँ मैं, और एक बार 360 देख लो। और ये इसके बाद आपको ये लास्ट व्लॉग में भी मैंने बोला था आपको, जो ये स्मॉल वॉल है स्टोन मशीनरी की, इसको नहीं छोड़ना आपको, टॉप तक आपको यही मिलेगा और इसी को लेके आपको ऊपर निकलना है। तो चलते हैं जहाँ से आपको बताना होगा और वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं आपको रास्ते में।
मौसम फिर चेंज हो चुका है, यहाँ का मौसम का यही है, पता नहीं चलता कब धूप आ जाए, कब बादल आ जाए, कब बारिश आ जाए, कब बर्फ आ जाए। सो देखते हैं, आपको कोशिश पूरी रहेगी जाने की, थोड़ी सी धूप आ जाती तो व्यू अच्छा आता वहाँ। तो काफी हाइट पर आ चुके हैं हम, दिखता है यहाँ से कैसा होगा अब। आया मेरा बहुत बड़े मुश्किल से बढ़ती गिरा हुआ। Come on guys, अरे यार पर वो वाल देखते हो आप जो हमें जोशी टिप्पा पहुंचाएगी। तो उसका कैमरा में ऐसी गिर गया। भाई अभी भी नहीं करा तुमने तो। ये देखो आप क्या डिजाइन है इस पेड़ का। वी आर क्लोज टू जोशी टिब्बा और आप देख सकते हो कितनी बर्फ है यहाँ पे, एकदम तबाही वाली। तो ये हमारे भाई बंधु गए आगे, उन्होंने पूरा मजा खराब कर दिया, काफी फॉग्स आया। दिस इज जौनसार बाबर चक्राता इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जोशी टिब्बा, जैसे आपको पहले बताया था। अभी देखो यहाँ 1 से 1.5 फुट बर्फ है जोशी टिब्बा पे। तो मिलते हैं आगे। अभी क्या है ना, सफ़र दुगना हो जाता है बर्फ़ में चलने के लिए, जैसे जैसे चलते हैं नॉर्मल टाइम पे चलते हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी थोड़ा इधर है, इधर लग रहा है टाइम। अरे यहाँ जा रहा और भाई लोग फोटो वगैरह ले रहे, थोड़ा और बाकी है तो मजे लो रास्ते के, दिखाएंगे आपको और आगे। मिलते हैं थोड़ी देर में, पहुंच चुके हैं जोशी टिब्बा। अभी एंट्री फेस दिखाऊंगा मैं आगे जाके आपको, स्नो के वजह से कुछ आप लोग को आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की और गाइड करने की। तो मिलते हैं आपको थोड़ा और आगे जाके, आगे जाके फ्लैग आने वाले हैं, गुड लक फ्लैग्स। और देख सकते हो आप कितना फॉग हो रहा है, तो व्यू तो लग चुका है यहाँ का। मिलता है आपको आगे। यहाँ पे बारिश थोड़ी ना पड़ती है ज्यादा, जब नीचे बारिश पड़ती है ना मार्केट साइड जिधर सीधा बारिश पड़ती है। 1.5 फुट है बर्फ, 1.5 फुट है, आगे टॉप पे जाके और बढ़ जाएगी। तो हल्की हल्की सी
धूप आ रही है गाइस, तो एक मस्त फीलिंग आ रहा है। व्यू दिखेगा ना तो और अच्छा लगेगा। देखो आप, हल्की सी धूप आ चुकी है, देखो क्या प्यारा दिख रहा है। तो गुड लक फ्लैग्स दिख रहे होंगे आपको, यही एंट्री फेस है गाइस यहाँ का। और ये देखो आप, मजे लो बाबा मजे। और जो देख रहा है ना गाइस अभी तक, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी ट्रैवल करता है उनको शेयर करना आप। चक्राता ब्रो, चक्राता की ये गाइस एंट्री फेस आपका। और ये जो बना रखा है, लास्ट टाइम भी बताया था, एनिमल्स के लिए, पानी के लिए। और ये आपका थोड़ा 360 व्यू है। वी आर इन जोशी टिब्बा और आप देख पा रहे हो यहाँ स्नो क्या भयंकर पड़ी है। साजिद और ये हमारे फारूक भाई, और ये वो लोकेशन जो आपको डिनोट करता है कि यू आर इन जोशी टिब्बा, चक्राता, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। और ये अरसलान भाई, और उधर सामने साजिद भाई हमारे। और ये देखो बादल। टॉप ऑफ जोशी टिब्बा, और जिसे रिस्की टिब्बा भी कहा जाता है, लास्ट ब्लॉक में भी मैंने आपको कहा था। और यहाँ पे आके आप कैंपिंग कर सकते हो और आराम से नाइट स्टे कर सकते हो समर्स के टाइम पे, रेनी सीजन में और स्नो में भी, जो करना चाहे देख सकते हो आप। काफ़ी भयंकर हवा चल रही है। और यहाँ से हम जा रहे हैं बजरी खान, बजरी खान में मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको देवन वाली साइड दिखाऊंगा। देवन तो नहीं जा रहे हैं किसी, और उसके बाद हम कॉल बैक कर जाएंगे। और बजरी खान में हम क्या ब्लॉग एंड कर देंगे बोला। ये बजरी खान के लिए जा रहा है, और ये जोशी टिब्बा के लिए जा रहा है, और इधर से हम आए थे अभी। ये देखो आप, पूरा बांस के पेड़ इधर डेंस, क्या व्यू आ रहा है देखो। झाड़ियाँ झुक चुकी है बर्फ से बहुत सारी। तो गाइस शायद ही किसी ने ऐसा कुछ दिखाया होगा आज तक ब्लॉग में चक्राता के बारे में, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ चक्राता को एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और ये देख सकते हो आप, बैकग्राउंड में देख सकते हो आप क्या व्यू दिख रहा है। पूरा बुरांस के पेड़ है चारों तरफ, और पेड़ों से भी गिर रहे हैं, बर्फ पिघल रही है जो मेल्ट हो रही है। तो मिलते हैं आपको आगे, थोड़ा और व्यू दिखाते हैं आपको आगे का। बने रहिए वीडियो में और लुफ्त उठाए वीडियो का। देख सकते हो पूरी बर्फ गुच गई पैरों में। तो गाइस ब्लॉगिंग करनी बहुत मुश्किल हो गई है यहाँ पे, बर्फ देख सकते हो आप कितनी है। तो आपको बजरी खान में जाके मिलते हैं बहुत जल्दी रफ्तार के साथ। ये है बजरी खान, और ये टंकी पानी की यहाँ के लिए, गाँव वालों के लिए। तो नीचे जाके मिलता हूँ आपको। ये मैगी पॉइंट, मंगल आस्ते।
बन गया अंकल मैगी। दिस इज द व्यू फ्रॉम बजरी खान गाइज। और ये देखो आप धूप में क्या महंगा लग रहा है। तो यहाँ से हम डिसेंड कर रहे हैं वापस घर के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।